हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफरीन एडिक्शन। मैं हूँ आफरीन और आप सबको मैं आज कॉलेज मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। एंड स्टे ट्यून इफ यू वांट टू नो हाउ आई पर्सनली क्रिएट माय कॉलेज लुक। मैं कॉलेज के लिए मतलब कॉलेज जाने के लिए यही मेकअप लुक पर्सनली करती हूँ। एंड आई होप आप सबको ये वाला मेकअप पसंद आए। बट वीडियो स्टार्ट होने के पहले मैं आप सबको एक बात बोल देती हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट येस मुझे जो पसंद है मेरे खुद के मेकअप के लिए, मैं खुद जो भी करती हूँ मैं वही आप सबको दिखाती हूँ। आई होप आप सबको मेरा काम पसंद आए। एंड गाइस, इफ यू वांट टू नो हाउ आई क्रिएटेड द कॉलेज मेकअप लुक और हाउ आई एम क्रिएटिंग द लुक, कीप वॉचिंग। आई होप आप सबको पसंद आए ये वीडियो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते एंड वीडियो शुरू करते। थोड़ा सा जूम इन कर लिया है ताकि आपको पता चले मैंने अपने चेहरे पर क्या क्या यूज़ किया है। और मेकअप अप्लाई करने के पहले चेहरे को फेस वॉश कर ले एंड देन आफ्टर दैट मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है कॉलेज के लिए धूप में, यू नो। तो सनस्क्रीन अप्लाई करें एंड देन आफ्टर दैट यू यूज़ अ लिप बाम, अ गुड लिप बाम जिससे आपका लिप्स मॉइस्चराइज रहे हर वक्त। तो अभी तो ठंडी के टाइम है तो मैं ज़्यादातर लिप बाम ही ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। लिपस्टिक को थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ड्राई कर देता है लिप्स और मुझे ना वो क्रीम लिपस्टिक पसंद नहीं है। बट आई लव मैट लिपस्टिक अलॉट, बट लिप बाम तो क्रीमी ही होता है, बट फिर भी मुझे लिप बाम पसंद है क्रीम लिपस्टिक से ज़्यादा। तो आई प्रेफर मैट लिपस्टिक ज़्यादा एंड क्रीम लिपस्टिक कम लिपस्टिक। फर्स्ट स्टेप जो यूज़ किया है वो है पॉन्स का वाइट ब्यूटी क्रीम, डे क्रीम है बेसिकली और इसमें SPF 15 भी है तो बाहर जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर भी मैं बोलूँगी सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना, नहीं तो यू नो फेस पे टैन पड़ने वाला है, बहुत भयानक टैन पड़ने वाला है। इसको ले रही हूँ, अब फेस पे अप्लाई करेंगे और इसको ना क्लोज रख दिया करो नहीं तो ड्राई हो जाएगा। तो ऐसे ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई नहीं करूँगी मैं, आज फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ लेकिन ये एक डे क्रीम है तो है। मेरे कम्प्लेक्शन से बहुत लाइट है बट धीरे धीरे ना जब आप ये वाला जब पूरा ब्लेंड हो जाएगा फेस में धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्किन का जो कलर है उतना भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ने वाला ये। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी जो सेकेंड स्टेप है मैं दिखाऊँगी, ये फर्स्ट स्टेप है। मैं ये वाला पहले कम्प्लीट कर लेती हूँ। एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लो और देन ब्लेंड इट। सेकेंड स्टेप है वो है कंसीलर का, तो कंसीलर मैं अप्लाई करूंगी अभी। तो कंसीलर के लिए NYB का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं और NYB का कंसीलर मैंने बहुत पहले से यूज़ करना स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा से कंसीलर है, क्रीमी कंसीलर है जैसे कि आपको दिख रहा है स्टिक में आता है तो क्रीमी कंसीलर है, जैसे कि बुलेट लिपस्टिक नहीं होता बिल्कुल वैसे। मुझे बहुत पसंद है ये कंसीलर, मैं इसको विंटर के टाइम ही यूज़ करती हूँ, बहुत क्रीमी है तो गर्मी के टाइम में थोड़ा सा मैं कहीं भी अप्लाई करूँ तो मेरा ये वाला जोन थोड़ा सा यू नो क्रीज कर जाता है, केकी बन जाता है, पूरा एकदम निकल जाता है सब कुछ, तो मुझे पसंद नहीं है ये गर्मी के टाइम में। बट ठंडी के टाइम में इट इज़ ऑसम, जस्ट नाइस, वाओ। अगर मेरे स्किन टाइप के हो कि सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव स्किन है प्लस इधर को थोड़ा सा ऑयली भी हो जाता है कई कई एरिया में, ये चीज़ आप ठंडी के टाइम पे यूज़ करो, अफोर्डेबल भी है। मैं प्राइस इधर मेंशन कर दूंगी और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कर लो। इधर को देखो और इधर को देखो, मतलब डिफरेंस पता ही चल रहा है कि बहुत अच्छा सा आपको एक कवरेज दे देगा। अब कॉलेज जा रही हूँ तो थोड़ा सा यू नो यू शुड, ये जो डार्क सर्कल्स है रात रात जाग के जो हम लोग डार्क सर्कल्स क्रिएट कर देते हैं अपने आईज पे, और मैं भूल गई थी यहाँ पर तो देना ही है ना, जो डार्क सर्कल्स है थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे क्योंकि कॉलेज में हम लोग जो जाते हैं तो ये डार्क सर्कल्स किसी को नहीं दिखना चाहिए, इट्स अ सीक्रेट गाइस, ठीक है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम लोग रात रात जागते हैं और मतलब अपने आँख के नीचे इतना, मैं ना कॉलेज के लिए सिंपल रखती हूँ लेकिन उतना भी सिंपल नहीं, एट द सेम मोमेंट अट्रैक्टिव भी रखना चाहती हूँ कॉलेज मेकअप लुक के लिए। ये मेकअप लुक मैं ज़्यादातर फॉलो करती हूँ कॉलेज जाने के लिए कभी कभी, और कभी कभी मैं कभी कभी ये ऐसे भी होता है कि मैं मेकअप छोड़ मतलब बिना मेकअप के ही दौड़ती हूँ कॉलेज में, लेट हो जाता है यार क्योंकि 11 बजे से हमारा क्लास रहता था, तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन आई गेस।
थर्सडे होने वाला है कम्पैक्ट पाउडर। कम्पैक्ट पाउडर के लिए आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं लूज पाउडर गर्मी के टाइम पे अप्लाई करती हूँ ज़्यादा, और कम्पैक्ट पाउडर मैं विंडोज़ के टाइम पे। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट ऐसे ही मेरे स्किन को सूट करता है वो। जो फोर्थ स्टेप है मैं वो करने वाली हूँ। फोर्थ स्टेप के लिए मैं पहले आईब्राउज़ करूँगी, फिर आईज़ को करूँगी। अब आईब्राउज़ मैं पहले क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई लैश में या फिर आई शेडो कुछ अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं सिंपल रखने वाली हूँ। तो आईब्राउज़ पहले कर लेते हैं। एंड आईब्राउज़ के लिए मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया है जो कि आप लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं, ऐसे जो पेंसिल नहीं मिलता है, कोई ब्रांड का नेम मेंशन नहीं रहता है इसमें, बट ऐसे ऐसे पेंसिल आप लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हैं। ब्रश लो एंड देन डू दिस, तो उसके अंदर इतना सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यू कैन डू इट। अब आप 10-15 रुपए में प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो, थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। लाइक आईब्रो प्रोडक्ट इतना सस्ता में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये दिख रहा है आई गेस ब्लैक, बट दिस इज नॉट ब्लैक, इट्स डार्केस्ट ब्राउन रहना। आई गेस अच्छा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, तो मुझे तो अच्छा लगा। लास्ट स्टेप होने वाला है लिपस्टिक। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था विद इन 60 रुपीज़, कैन बी लिमिट या 60 में मैंने ख़रीदा था। ये कुछ ऐसे दिखता है, स्टिक डैप डैप करूँगी एंड दैट्स इट। मैं मैट ब्लश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, आप क्रीम ब्लश भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे